सुलाला, अब ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टेटमेंट आ गई है, अगला साल पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत, स्पेशली होम क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा साल है, तीन बड़ी टीमें आ रही हैं ज़ाहिर है पाकिस्तान खेलने के लिए, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी और हाउ डू यू, आई मीन ज़ाहिर है ऑफ कोर्स एज अ क्रिकेटर आप पाकिस्तानी के तौर से चाहेंगे कि पाकिस्तान शुड विन दिस, बट वॉट शुड बी आर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, लाइक ट्राइंग आउट न्यू प्लेयर्स, होम सीरीज का एडवांटेज कैसे उठाना है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन सर? पहली तो मैं, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि टीमों का आना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मेरे नज़दीक सबसे मतलब प्रायोरिटी के ऊपर है, एंड देन फिर उसके बाद रिजल्ट। आई नो कि टीम जो हमारी इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त बैलेंस हुई हुई है, अगर आप टेस्ट की देखें, वनडे या टी ट्वेंटी के फॉर्मेट की देखें, टीम हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, लड़के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एज अ टीम परफॉर्मेंसेज बहुत अच्छी चल रही हैं और अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे अगेंस्ट बड़ी टीमें इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, और मेरी ख्वाहिश है कि ये दो बड़ी टीमें आएँ ताकि ओवरऑल ग्लोबली इनके इन बड़े नामों की वजह से टीमें जो हैं वो, और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जो है वो अपनी बी टीमें ना भिजवाएँ तो मेन जो उनके प्लेयर्स हैं जो कंसिस्टेंट वहाँ से खेल रहे हैं अपनी अपनी टीमों से, तो उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मैचेस अच्छे होंगे, लोगों को अच्छी एंटरटेनमेंट मिलेगी और पाकिस्तान के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, उसके अंदर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ यंगस्टर्स के लिए भी हैं, वो भी मिल सकती हैं उनको। बिल्कुल, फुल फ्लेज टीम आए तो तभी मज़ा आएगा, तभी इंजॉय करेंगे, शायकीन भी तभी इंजॉय करेंगे।